सब लोग अच्छे हैं। मेरा थोड़ा बदकिस्मती से मेरा जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड थोड़ा रिस्ट फ्रैक्चर हो गया और टूट गया है, तो इसके चक्कर में बहुत दिन से आप लोग के सामने आ नहीं पाए। तो रेस्ट में हूँ और डॉक्टर ने मना भी किया है, पर सोच रहा हूँ कि चलो एक हाथ फिर भी काम कर रहा है मेरा लेफ्ट हैंड, तो आप लोग से थोड़ा बात कर लेते हैं और एक रिव्यू भी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना इस हाथ से बनता है, तो उस हिसाब से आप लोगों से आपने एक आज नया रिव्यू लेके आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक नया राइफल के बारे में। ये काफ़ी पॉपुलर राइफल है, मार्केट में अवेलेबल भी है और ये वेरी यू नो वेरी रोबस्ट एंड वेरी वेरी गुड राइफल, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे सामने जो ये राइफल है डायना 350 पैंथर मॉडल। आप ये 350 मैग्नम के नाम से भी जाना जाता है, आप देख सकते हैं ये मेरे सामने ये राइफल है और ये 177 कैलिबर में आता है ये राइफल। और इस राइफल का जो टेक्निकल डिटेल्स है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो गुड क्वालिटीज़ है, प्रोज एंड कॉन्स है, ये सारी चीज़ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो राइफल है, देखिए ये राइफल डायना के बारे में पहला चीज़ है कि हम लोग डायना एक ऐसा ब्रांड है जो सबको पता है, ये जर्मन का एक ब्रांड है, बहुत ही मशहूर ब्रांड है। 1890 से ये लोग ऑपरेशंस में है, काफ़ी सारे मॉडल प्रोड्यूस किए हैं, मैंने पहले भी बहुत रिव्यू किए हैं इस डायना प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो राइफल है, ये राइफल डायना का प्रोडक्ट लाइन में ब्रेक बैरल स्प्रिंगर कैटेगरी में सबसे पावरफुल राइफल है। इट इज़ इवन मोर पावरफुल देन 460 मैगनम। तो मेरे हिसाब से ये डायना 350 सबसे ज़्यादा पावरफुल राइफल है। तो ये जो राइफल है, ये राइफल ब्रेक बैरल स्प्रिंगर कैटेगरी में आता है, मतलब इसका आप बैरल को ब्रेक करके जैसे नॉर्मल स्प्रिंगर होता है उस हिसाब से आप इसको लोड करेंगे। और इसका जो बैरल है, ये बैरल 19.5 इंचेस का बैरल है और बैरल में आपका इसका 12 ग्रूव्स है, राइफलिंग 12 ग्रूव्स का राइफलिंग है और 12 ग्रूव्स राइफलिंग है। इसका जो ट्विस्ट रेट है डायना का, राइफलिंग का ट्विस्ट है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्विस्ट आता है 1:16, मतलब पूरा 16 इंच में इसका 360 डिग्री एक रोटेशंस होते हैं। तो 360 डिग्री 1:16 इसका ट्विस्ट रेट है, इसका 19.5 इंचेस का बैरल है और ये जो आपका जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में इन लोग का नाइट्रो पिस्टन यूज़ नहीं करता है, ये लोग का नॉर्मल सिंथेटिक सीलिंग का पिस्टन है। और इसका जो खासियत है, इसका जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर है T06 ट्रिगर है। आप जो इसका जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर आपका T06 ट्रिगर है और ये T06 जो ट्रिगर, ये आपका मैजिकेट ट्रिगर है, 2 स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर है। और इसका जो स्टॉक है, ये स्टॉक आपका पॉलीथीन स्टॉक है, मतलब जिसको पॉलीथीन स्टॉक हम लोग अभी अब नॉर्मल मॉडर्न राइफल्स में आ रहे हैं, ये स्टॉक है, ये स्टॉक मॉन्टिकल स्टॉक है और एम्बिडेक्सट्रस है, मतलब आप देखेंगे तो ये जो राइफल है, इसका जो स्टॉक का जो चिक पीस है, ये चिक पीस इधर भी जैसे है, आप उसको ऐसे राइफल को घुमाएंगे तो इसका चिक पीस इधर भी आपको दिखेगा। तो कोई भी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड शूटर इसको यूज़ कर सकते हैं, ये एम्बिडेक्सट्रस स्टॉक है, कोई भी बंदा इसको यूज़ कर सकता है। पिस्टल ग्रिप जो है, पिस्टल ग्रिप में आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टिपलिंग है, यहाँ पे चेकरिंग्स नहीं है, स्टिपलिंग किया हुआ है। फोर एंड में भी आपका यहाँ पे स्टिपलिंग है और 2 स्क्रूज यहाँ से, एक स्क्रूज और यहाँ पे एक स्क्रू इधर भी रखा हुआ है और ये दोनों स्क्रू और नीचे एक स्क्रू है, ये स्क्रू से आपका ये राइफल माउंट होता है स्टॉक के साथ। तो आते हैं इसका बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस राइफल में फिलहाल अभी एक इसका स्कोप लगा हुआ है, मैंने एक वाल्थर का स्कोप इसमें माउंट किया है। तो ये राइफल आपका 11 मिलीमीटर का डोवटेल के साथ आता है, जिसमें आप कोई भी स्कोप इसको माउंट कर सकते हैं। तो ये 11 मिलीमीटर का डोवटेल इस राइफल के साथ ही आता है। तो इसका पावर के बारे में देखने जाए तो ये राइफल जो है, इसका एडवर्टाइज्ड वेलोसिटी है कुछ 1070 FPS का, बट आप नॉर्मल ग्रेन बुलेट्स में आपको 900 से 950 का FPS का वेलोसिटी आपको इसमें मिल ही जाएगा। इसका जो
फोरसाइट है, ये फोरसाइट आपका ऑप्टिकल फाइबर फोरसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो बैक साइट है यहाँ पे भी दो ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, ये विंडेज करेक्शंस के लिए और एलिवेशंस के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और जो फ्रंट साइट है, फ्रंट साइट में भी आपका एक बहुत ही बढ़िया आपका इल्यूमिनेटेड फोरसाइट दिया हुआ है, जो आपका नाइट शूटिंग्स के लिए आप इसको काफ़ी यूजफुल होता है हमारा यूज़ करने के लिए। इट इज़ अ वेरी गुड फीचर्स। इसके साथ इसमें एक ऑटोमेटेड सेफ्टी आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑटोमेटेड सेफ्टी है। ये जो ऑटोमेटेड सेफ्टी है, ये ऑटोमेटेड सेफ्टी एंगेज होता है जब हम लोग राइफल को ब्रेक करके लोड करते हैं, तो ये ऑटोमेटेड सेफ्टी इसके साथ एंगेज हो जाता है। और ये आपको जब आप इसको फायर करने जाएंगे तो आप इसको, इस राइफल को आपको डिसएंगेज करना पड़ेगा। अभी राइफल अनकॉक सिचुएशन में है तो इसलिए ये ऑटोमेटेड सेफ्टी फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जैसे मैं इसको कॉक करूँगा तो ये राइफल आपका एंगेज हो जाएगा। तो ये है इसका बेसिक फंक्शनलिटीज़। अभी बात करते हैं, देखिए इसका जो कॉकिंग एफर्ट है, ये कॉकिंग एफर्ट कुछ करीबन 20 पाउंड का एक्सपेक्टेड इसका कॉकिंग एफर्ट है। तो मैं तो मेरा एक हाथ से इसको मैं कॉक नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक दूसरा वीडियो करूंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि इसका कॉकिंग एफर्ट और इसका जो कॉकिंग मैकेनिज्म है कैसा है, और इसका जो एक्यूरेसी है ओवर द ग्रुप, वो ग्रुपिंग में इसका एक्यूरेसी कैसा आता है। तो दो चार चीज़ मैं आपको बोलता हूँ जो मेरे को इस राइफल में मेरे को लगा थोड़ा, मतलब पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ। पहला चीज़, इसका जो स्टॉक है, ये स्टॉक आपका जो पॉलीथीन स्टॉक है या प्लास्टिक स्टॉक है, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ तो मैं पर्सनली एक कप का वुडन स्टॉक प्रेफर करता हूँ। वुडन स्टॉक में भी 350 का मॉडल आता है, तो 350 का देखिए एक यहाँ पे एक 350 एनटेक मॉडल है, 350 पैंथर है, 350 का नॉर्मल मॉडल है और वुडन स्टॉक में भी आता है। पर हमारा इंडिया में मैंने वुडन स्टॉक मॉडल में जब खरीदने गया था तो वो अवेलेबल नहीं था, इसीलिए लिया था। मैं ज़्यादा वुडन स्टॉक प्रेफर करता हूँ, पर ये मॉडल के में, इस स्टॉक में भी कुछ ख़राब ही नहीं है, ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा है। दूसरा चीज़ है, देखिए डायना का जो ब्रांड है, ये डायना का ब्रांड का जो प्रोडक्ट, इसका दो कैटेगरीज होते हैं। यही डायना ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जब आप लोग बाहर का कंट्रीज खास करके यूएस में खरीदेंगे तो ये RWS के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे RWS के हिसाब से डायना वहाँ पे सेल होता है, जबकि हम लोग बाकी सारे कंट्रीज में डायना के नाम पे सेल होते हैं। पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो क्वालिटी यूएस में मिलता है, जो यूएस राइफल्स में जो RWS का जो मॉडल में जो क्वालिटी आता है और जो क्वालिटीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो फ़र्क में से क्या है, देखिए इसका जो बैरल है, ये जो बैरल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये बैरल जो है, ये बैरल चाइनीज़ मेक बैरल है। मोस्टली जो सारे प्रोडक्ट्स अभी आपका डायना में दिख रहा है, इसका जो बैरल है, ये बैरल चाइना में है। 12 ग्रूव्स का बैरल है, 1:16 राइट टर्न है, बट ये बैरल एक्चुअली चाइनीज मेक है। डायना खुद अभी ये बैरल आउटसोर्स कर रहा है, और पहले जब डायना बनाता था 8 ग्रूव्स का ओरिजिनल बैरल डायना खुद मैन्युफैक्चर करता था, तो अभी ज़्यादातर बैरल चाइनीज आ रहा है। बट चाइनीज आ रहा है फिर भी ये जो बैरल है, इस बैरल में एक्यूरेसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इट्स अ वेरी 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 एक्यूरेट बैरल। मतलब हम लोग देखे हैं तो कोई डिफरेंस हम लोग को नज़र नहीं आया क्वालिटी ऑफ राइफलिंग में, आई वुड से। और डायना का जो हाई एंड्स मॉडल है, वो लोग नॉर्मली वॉल्थर से अपना बैरल मंगवाते हैं और वॉल्थर से उसका बैरल बनाते हैं। तो दूसरा जो चीज़ है, इसका जो ब्लूइंग है, ये ब्लूइंग डीप रिच ब्लूइंग है, बट इसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि ये एंटी रस्ट नहीं है। मतलब आप जब लोग इसको यूज़ करेंगे तो आप थोड़ा इसको ऑयलिंग करके, कोई बैलिस्टल या कोई भी गन ऑयल, अगर कुछ भी नहीं है तो कोई भी नॉर्मल सा ऑयल से एक बार इसको, एक कॉटन से इसको थोड़ा पॉलिश कर लीजिएगा, तो आपका ये राइफल बहुत दिन तक आपका अच्छा सर्विस देगा, कोई भी रस्ट या पेटिंग इसमें नहीं आएगा। नहीं तो हमारा इंडियन क्लाइमेट में क्या होता है कि स्वेटिंग के वजह से जो भी है, हम लोग जब यूज़ करते हैं तो इसका जो ब्लूइंग है, ब्लूइंग थोड़ा ख़राब होने का चांसेस रहता है। खास करके आजकल का ज़माना में हम लोग जो डायना का राइफल्स देख रहे हैं, मोस्टली जो इतना ब्लूइंग्स आ रहा है, वो ब्लूइंग उतना लॉन्गजिविटी नहीं दे पा रहा है। इस राइफल का जो एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है।
लॉन्ग रेंज शूटिंग में आपका 1 इंच से 1.5 इंच का ग्रुपिंग आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपका इसका डिटेल एक फायरिंग का लाइव डेमो आपको दिखाएंगे और उसका ग्रुप टेस्टिंग भी करेंगे, इसका पेनिट्रेशन पावर टेस्टिंग भी करेंगे। इसका जो बट प्लेट है, ये बट प्लेट इसमें साथ जो आता है, ये बट प्लेट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड बट प्लेट है। आप देख सकते हैं इसमें इंटीग्रेटेड बट प्लेट है। मैं पर्सनली इस बट प्लेट को एक रबर बट प्लेट के जगह से अगर किया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका रिकॉयल है, क्योंकि ये मैग्नम कैटेगरी के राइफल है तो ये रिकॉयल है। अगर रबर बट प्लेट होता तो और अच्छा होता, बट ये बट प्लेट भी कुछ खराब नहीं है। टी जीरो ट्रिगर इसका खासियत है, T06 ट्रिगर को आप ये दो आपका जो छेद है इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टू स्टेज ट्रिगर है, बहुत ही अच्छा लॉक टाइम है, और ये ट्रिगर आपका मैच ग्रेड एक्यूरेसी मतलब मैच ग्रेड ट्रिगर है। इसका एडजस्टेबल भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये बहुत ही खासियत है। T06 ट्रिगर क्या है, कैसे काम करता है, मैंने आपने पहले वीडियो में मैंने इसको बताया, अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो वो ये जान सकते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं बोल सकता हूँ, इसका जो अंदर में जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी चाइनीज मेड स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो काफ़ी सारे शॉट्स के बाद ये स्प्रिंग में थोड़ा क्रमल आता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसको छोड़ के ये पूरा राइफल में कोई भी खराबी नहीं है, मैं और कोई इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल सकता, क्योंकि ये राइफल बहुत ही बढ़िया है, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, एक्सट्रीमली लॉन्ग राइफल, यू नो रॉक्ड राइफल है, ऑल डे यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा राइफल है। राइफल थोड़ा सा हेवी है, अराउंड 3.7 kg, 3.8 kg के आसपास इसका वेटेज है। मैंने इस पे एक वेट इसको वॉल्थर स्कोप लगाया तो ये करीबन 8 4 किलो के आसपास इसका आपका वेट हो गया। तो ये वेटेज, ये जो वेट है, ये वेट आपका इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये मैग्नम ग्रेड राइफल है। इसका जो स्प्रिंग है पावरफुल स्प्रिंग है, कुछ करीबन 27 जूल्स के इसका आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए राइफल्स का वेट थोड़ा ज़्यादा होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये राइफल आपका स्टेबिलिटी नहीं देगा। काफ़ी वेल बैलेंस्ड राइफल है, अगर आप इसको आपको उठाएंगे एक हाथ में तो आपका यहाँ पे आप ये राइफल काफ़ी बैलेंस्ड है। मैं यहाँ पे अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ पर प्रॉपर तरीके से, बट जितना मैंने देखा है ये राइफल इट्स अ वेरी बैलेंस्ड राइफल। मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये काफ़ी बैलेंस्ड राइफल है, आप एक हाथ से इसको बैलेंस कर सकते हैं, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड राइफल। इसका माउंटिंग भी बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको शूटिंग किया है, इसका मतलब एक्यूरेसी इज एक्सट्रीमली गुड ओवर लॉन्ग रेंज। आप 25 मीटर 50 मीटर तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, 100 मीटर्स तक आप इसको शूट कर सकते हैं। हाँ थोड़ा बुलेट ट्रेजेक्टरी इसमें आपका आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट 100 मीटर तक आप इसको टारगेट से आराम से हिट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा राइफल है। आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं इसको, आप नॉर्मल प्लिंकिंग या शूटिंग या हंटिंग जो भी है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सब बहुत ही मतलब वेरी गुड पॉपुलर राइफल, काफ़ी अच्छा रिसेल वैल्यू भी है। हमारा इंडिया में बहुत सारे कंपनीज इसको अभी सेल कर रहे हैं अपने वेबसाइट्स में, आप बहुत सारे कंपनीज में देख सकते हैं इसको, इसको अवेलेबल है, कोई भी लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है 1.177 कैलिबर्स के लिए, आप थोड़ा देख लीजिए। बहुत सारे मतलब हर वेबसाइट में इसका डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है, तो आपको जहाँ पे आपका इसका प्राइस सही लगे आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये आपको बहुत दिन चलने वाला है अगर आप केयर करेंगे तो, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक राइफल दैट विल सर्व यू फॉर जनरेशंस, एंड डायना इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड ब्रांड ऑब्वियसली, तो इसका रिसेल वैल्यू भी बहुत ही अच्छा है इंडिया में। तो ये था मेरा शॉर्ट रिव्यू डायना 350 पैंथर के लिए। तो मतलब इससे ज़्यादा मैं सॉरी मैं इसको आज कॉपरेट करके नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरा जो एक हाथ से इसको ऑपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसका एक मैंने दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिस दूसरा वीडियो में इसका डिटेल टेक्निकल रिव्यू, इसका सीयर कैसे इंगेज होता है, इसका क्या क्या इसका इंटरनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा जब इसको लोड कर रहे हैं अनलोड कर रहे हैं, क्या पे मेल फंक्शंस हो सकता है और क्यों हो सकता है, वो सारे टेक्निकल डिटेल्स मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए एंड देन वी विल डेफिनेटली यू नो प्रोड्यूस यू वन। बट तब तक के लिए आज इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।